भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत और नीतियां स्पष्ट। ग्लोबल बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सतत विकास के लिए सहयोग की परिकल्पना समय की आवश्यकता भी और भविष्य का आधार भी। कोरोना की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए एकजुट प्रयास पर दिया जोर। जन औषधि दिवस आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जन औषधि केंद्र के मालिकों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। रियायती दरों पर दवाइयां मुहैया कराने के लिए देश भर के 700 जिलों में खोले जा चुके हैं 6200 जन औषधि केंद्र। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की राज्यों में तैयारियों की समीक्षा। मास्क, हैंड सैनिटाइजर की जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राज्यों को बड़ी सभाओं और सम्मेलनों को टालने की सलाह। जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष नियुक्त। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत जम्मू कश्मीर और चार राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे पदेन सदस्य। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के मुंबई आवास पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। धन शोधन कानून के तहत मामला दर्ज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 दिन के भीतर यस बैंक के पुनर्गठन किए जाने की कही बात। जमाकर्ताओं को रकम की सुरक्षा का दिलाया भरोसा।